Hi everyone, welcome back to the Code Street. This is Siddhant, and in today's video we will be learning yet another method of sorting the elements inside an array. तो आज की वीडियो में we will be learning about bubble sort technique. तो bubble sort technique क्या होती है, इसमें हम कैसे sorting करते हैं, how is it different from selection sort, इन सब के बारे में हम समझेंगे. And I will try to make it as simple for you as possible, जैसे हमने selection sort में किया था. Because one of the things which I have experienced myself as well, वो ये है कि जब अपन sorting के techniques में आते हैं ना, sorting and searching के techniques पे, like sorting searching से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो sorting जो इतनी ज़्यादा techniques होती है ना sorting की, that we often tend to get confused about this sorting techniques. Like हमें याद तो रहता है सबके concept individually, but अगर एक time भी पूछ लो ना कि क्या होती है, कौन सी concept क्या होता है, तो वो हमारा बताना बहुत difficult हो जाता है, because इतनी सारी concept हो जाती है sorting की, है ना. Like selection sort होती है, bubble sort होती है, DNF sort होती है, count sort होती है, bucket sort होती है, just to name a few. Insertion sort भी होती है, बहुत सारे sorting होते हैं. So अब हमारा क्या करना होगा कि we have to make each concept so simple कि हम जब भी कोई पूछे वो हम बता दें उसको, ठीक है. तो I tried to do it in case of selection sort as well, and I believe that I have been successful. अच्छे से समझा दिया उसको, कोई भी प्रॉब्लम होगी, as usual I have told you always कि freedom है, कमेंट सेक्शन में लिखो and I will be answering it. Bubble sort में भी I will be trying to do it as to make it as simple as possible for you guys. Bubble sort क्या होती है, and irrespective of any language, concept clear करने पे ध्यान रखो, because DSA में logic same रहता है across all the programming language. All you have to do is just change the syntax of the programming, है ना. बाकी सब कुछ logic main core same ही रहेगा, ठीक है. तो ठीक है, समझने की कोशिश करो, and I hope that I will be making it simple for you. And before the video begins today, तो आज अपन let us try to understand as usual what is Newton's school. So Newton's school is an edtech platform which guarantees you 100% placement without charging you a single fee until and unless you get placed with a minimum package of 5 lakhs per annum. Newton's school is dealing with Newton's school is actually doing this in collaboration with a lot of really great companies, जो कि आप उनके platform पे जाके देख सकते हो, ठीक है. And Newton's school has already started a number of really great courses जिनके जिसके तहत वो ये सब करवाते हैं. तो वो जो कोर्सेज हैं, दे आर ऑफ ग्रेट वैरायटी, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज क्यूरेटेड फॉर वुमेन, कोर्सेज डिजाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू कैन एक्चुअली जॉइन दीज कोर्सेज एंड यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन योर पाथ ऑफ करियर. तो रिसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है कि न्यूटन स्कूल ने लॉन्च पैड प्रोग्राम अपना लॉन्च किया है, जिसके अंडर में इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, बी इट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ स्पेसिफिक टेक स्टैक और एनी बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इजिली लर्न कम्प्लीटली फॉर फ्री. एंड उनके प्लेटफॉर्म पर जाके यू कैन फाइंड आउट दीज कोर्सेज विच आर कम्प्लीटली फॉर फ्री. यू कैट गेट एनरोल्ड इन दीज कोर्सेज, गेट अ कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर डूइंग दैम, एंड या दैट इज प्रीटी मच इट. तो प्लीज टू चेक आउट देयर प्लेटफॉर्म. और अगर आपको लगे कि आपको कोडिंग रिलेटेड कोई स्टफ करनी है, तो आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे जाके उनके प्ले ग्राउंड पे जाओ, अपने खुद की एल्गोरिथमिक प्ले ग्राउंड बनाओ, एज वी हैव डन इन पास्ट फ्यू वीडियोज. ऑलमोस्ट ऑल दी वीडियोज अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन से लेके फंडामेंटल से लेके, सब में ही हमने उसमें काम किया है. तो उसमें अगर हम जाएं तो हमारा एल्गोरिथमिक प्ले ग्राउंड हम बना सकते हैं, खुद का पर्सनलाइज्ड एल्गोरिथमिक प्ले ग्राउंड, एंड वी कैन कोड इन एनी लैंग्वेज पॉसिबल, ठीक है. तो आज के वीडियो पे हम वापस आते हैं, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर एज पॉसिबल. तो टुडेज टॉपिक इज बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट इज टुडेज टॉपिक. So first of all, why is it known as bubble sort? ठीक है, imagine a chemistry lab. If you have remembered, chemistry lab में एक ऐसे vessel हुआ करती थी जिसमें एक stirrer होता था, है ना, या फिर एक ऐसे conical flask हुआ करती थी, right? Whatever be the container, उसमें क्या होता था कि there used to be this केमिकल इन साइड ऑफ इट. एंड जब बबल्स होते हैं ना, दे यूज टू ऑलवेज राइज अप एंड एंड अप एट द टॉप. बबल्स जो होते थे ना, हमेशा ऊपर आते थे, नीचे से ऊपर आते थे, राइट. सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ बबल्स सॉर्ट. यहां पे एम पुश
larger element towards the end of array. समझ में आई बात? जो लार्जर एलिमेंट होगा ना उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे भेजना है अपन को, दैट इज द सोल एम ऑफ बबल सॉर्ट। तो जस्ट इमेजिन करो वो जो बबल्स होते थे ना वो जैसे नीचे से उठते थे बट टुवर्ड्स द एंड चले जाते थे, दैट इज एट द टॉप। सिमिलरली जो लार्जर एलिमेंट होगा ना दैट विल गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, सो लेट मी कंसिडर एन एरे इन दिस केस। एग्जाम्पल, अगर मेरा एरे है 1876439, चलो चलो ये है मेरा एरे 1876439 तक। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं आई लूप को फिर से चलाऊंगा 0 से लेके n माइनस 1 तक, यानी यहाँ लास्ट बट वन एलिमेंट, n माइनस 1 से एक कम तक, यानी लास्ट बट वन एलिमेंट तक। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सिलेक्शन सॉर्ट, लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली हमेशा अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो i को मैं यहां से यहां चलाऊंगा। j को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, J को जो है वो मैं आइटरेशन के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ चलेगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले मेरे यहाँ पे काम क्या होगा, 1876439 है, तो वट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी पिकिंग अप टू कंसिक्यूटिव एलिमेंट्स, लाइक टू साथ साथ एलिमेंट जो है वो उठाएंगे। तो यहाँ पे हम पिक किए 18, देखेंगे कि ये करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं। अब करेक्ट ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है, करेक्ट ऑर्डर का डेफिनेशन होता है अगर लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ा है दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर। समझ में आई बात? ये लेफ्ट अगर राइट एलिमेंट से बड़ा है तो वो करेक्ट ऑर्डर नहीं है, राइट एलिमेंट लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले 1 और 8 उठाया हमने, 1 और 8 इधर है, सही ऑर्डर है। चलो नेक्स्ट उठाते हैं 8 और 7 में 8 बड़ा है 7 छोटा है, इंटरचेंज करना पड़ेगा मुझे। समझ में आया? 7 इधर लाया, 8 इधर लाया, इधर 7 हो गया, 8 इधर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट और उठाया 8 एंड 6, फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा, 6 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, फिर इधर चेंज करना पड़ेगा, 4 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, फिर इधर चेंज करना पड़ेगा, 3 इधर हो गया, 8 इधर हो गया। ठीक है, और ये लास्ट वाली सेम है, 9 ही रहेगी, 8 इधर ही रहेगा। तो माई न्यू एरे नाउ बिकम्स, राइट यहां तक सॉर्ट हो गया ना मेरा, सॉरी यहां तक तो मेरा सॉर्ट हो गया ना 9 तक। अभी 8 को अपन रेफरेंस लेके चल रहे हैं, अपन इस राउंड में 8 को रेफरेंस लेके चलेंगे। 8 हुआ कि नहीं वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, 9 का लेकिन पक्का डिसाइड हो गया है कि 9 और उसके पहले वाला टर्म तो है, 9 तो सॉर्टेड ही है, 9 के पहले वाला टर्म अभी अभी आया है, अभी वो सॉर्टेड है कि नहीं वो डिसाइड करना है अपन को। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट राउंड में करते हैं। फिर उठाए 1 7 उठाया, परफेक्ट है, 7 6 उठाए, गलत है, इधर आएगा 6, इधर आएगा 7। ठीक है, अब 7 4 उठाया, फिर गलत है, इधर आएगा 4, इधर आएगा 7। फिर उठाया 7 और 3 को, गलत है, इधर आएगा 3, इधर आएगा 7। ठीक है, फिर 7 और 8 सेम है। तो चलो अब अपन मेडी करेंगे, यहाँ पे 1 है, 6 है, 4 है, 3 है, 7 8 and 9। तो चलो अब इन दोनों का फाइनल हो गया है। ठीक है कि अब ये दोनों तो सिक्योर्ड है। ठीक है, काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ठीक है,
अब हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक और ले जाते हैं। चलो 1 6 4 3 7 8 9, ये मेरा एरे है। और रे अब अपन को चेक करना, 1 6 सही है, 1 अब 6 4 नहीं सही नहीं है, 4 इधर आएगा 6 उधर जाएगा। नेक्स्ट 6 3 उठाएंगे, चेक करेंगे, 3 इधर आएगा 6 उधर जाएगा, 3 इधर आएगा 6 उधर जाएगा, 6 7 उठाएंगे, हाँ सही है, तो 6 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है, तो 7 8 9 भी सिक्योर हो गया। ठीक है, 7 8 9 भी सिक्योर हो गया हमारा। 1 4 3 6 अब है, ठीक है, 1 4 3 6 को अब हमें करना है चेक। चलो 1 4 3 6 चेक करते हैं। तो तुम समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, हर बार ये जो चीज है कि दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट उठाना है, चेक करना है उनकी किस करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं, नहीं है तो इंटरचेंज है तो वैसे का वैसे छोड़ दो, फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव दो एलिमेंट उठाओ, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। और ऐसे हर आइटरेशन में अपन क्या कर रहे हैं, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना उसको किसी ना किसी तरह से लास्ट में भेज ही दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब अपन 1 4 3 6 के लिए करेंगे, तो यहाँ क्या होएगा, 1 4 में सही है, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर चल जाएगा, 6 7 8 9, तो यहां तक इज सॉर्टेड। ठीक है, और फिर अगर देखा जाए तो फिर नेक्स्ट वाले राउंड में भी सेम रहेगा, 1 3 में सही है, ये 3 4 में भी सही है, 3 4 6 7 8 9, 1 3 में सही है और ये 3 4 में सही है, तो यानी नेक्स्ट राउंड में 3 4 वाला भी सॉर्टेड है और उसके राउंड नेक्स्ट राउंड में पूरा सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो यहाँ हमने किया n-1 तक, यहाँ हमने किया n-2 तक, यहाँ हमने किया n-3 तक, यहाँ हमने ट्रेवर्स किया n-4 तक, यहाँ n-5, n-6, n-7, 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 एलिमेंट्स, तो हमने 7 आइटरेशंस किए, राइट। दिस मीन्स कि हमारा जो जे लूप है वो विल ट्रेवल फ्रॉम n-1, आई तो जो हमारा था वो 0 से लेके लास्ट बट 1 तक चल रहा था, जे विल ट्रेवल्स फ्रॉम 0 से लेके n-i-1, समझ में आ रही है बात। n-1 तो है ही, बट तो हर आइटरेशन जो हो रहा है वो आई के वैल्यू के साथ भी तो वेरी कर रहा है ना, तो जब क्या होगा देखो। ठीक है, आई बात समझ में। अब जब n का वैल्यू 1 होएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, n-1-1 यानी n-2, यानी यहाँ पे हम n-2 तक चलेंगे, समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आई का वैल्यू 2, n-2-1, n-3, फिर हम n-3 तक चलेंगे, समझ में आया। n-1 तक तो पहला इटरेशन ही मेरा n-1 तक चलने वाला है, जब उसका वैल्यू 0 रहेगा, i की वैल्यू 0 रहेगी, तो पहला इटरेशन ही मेरा n-0-1, दैट इज n-1 चलने वाला है, ऑफ कोर्स, समझ में आया बात। तो अब हम इसको अगर कोड करें, प्रीटी सिंपल कोड, बहुत ही सिंपल कोड है इसका, बबल लिख रहा हूं बस, बबल, ध्यान से समझना है इसको, INT A INT N, ठीक है। ठीक है, अब हम फॉर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर मान लो उस लॉजिक को, INT i = 0 से लेके आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस, ऑलराइट। और फिर नेक्स्ट हमारा काम है फॉर INT j = 0, जे लेस देन n-i-1, लेस देन इक्वल्स टू आई गेस जे प्लस प्लस, नॉट इक्वल्स टू लेस देन ही होगा, क्योंकि अगर हम लेस देन इक्वल्स टू कर दिए तो फिर n-i-1 n-7 तक चला जाएगा, और लास्ट बट वन एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, वो करने का मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये मेरा हो गया n-i-1, उसके बाद तो हम चेक कर ही सकते हैं,
if a of if a of j is greater than a of I. अगर लेफ्ट वाला राइट से बड़ा है ना तो a of i greater than a of j अगर होता है, दिस इज ए कंडीशन ना, यही वाला तो कंडीशन होता है। तो अगर लेफ्ट वाला राइट से बड़ा होता है देन इट इज नॉट द राइट वो। इफ लेफ्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द राइट एलिमेंट इट इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर। ऑलराइट ऑलराइट, तो जे के अंदर लिख रहे हैं तो दिस विल बी इफ ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन। अगर ऐसा हो रहा है देन स्वैप, स्वैप करेंगे अपन ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में, स्वैप ए ऑफ जे एंड ए ऑफ जे प्लस वन। अगर जो मेरा लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो उसके बाद वाले एलिमेंट से बड़ा हो जा रहा है तब उन दोनों को स्वैप कर दो, अदरवाइज लेट अस नॉट डू इट। ठीक है, बस दैट इज इट। वॉइड बबल सॉर्ट भी हमारा हो गया है। आई होप दैट दिस वॉज द कोड। लेट मी चेक इट वंस। पुशिंग द लार्जर एलिमेंट टुवर्ड्स द एंड, यस दैट इज द कोड। एंड देन इसके बाद ऑफकोर्स मेन फंक्शन विल बी एग्जैक्टली द सेम एज इन द केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। देर विल बी नो चेंजेस इन दैम व्हाटसोएवर। बस बबल सॉर्ट के इस मेथड को बुला लो, INTA और INTN इसमें एज पैरामीटर्स पास करा दो एंड एवरीथिंग विल बी सेम। सो आई होप दैट बबल सॉर्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज। एंड ये कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग। जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ना कुछ नहीं कर पाओगे। लाइक वट विल बी द रनिंग टर्मिनेशन कंडीशन फॉर जे लूप तुमको समझ में ही नहीं आएगा जब तक ये एन माइनस आई माइनस वन वाली कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, है ना। तो एन माइनस आई माइनस वन क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, समझ लो यहाँ से। ठीक है, चलो। तो विद दिस, ऑन दिस नोट आई होप दैट आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द बबल सॉर्ट टेक्निक एज वेल इन द सेम सिमिलर फैशन जैसे हमने सिलेक्शन सॉर्टिंग की थी। आई होप आई वॉज सक्सेसफुल इन कीपिंग इट सिंपल फॉर यू गाइज एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी लर्निंग व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट एंड हाउ डू वी डू इट। अप अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट स्टॉप कोडिंग। बाय बाय।